स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, क्या मैं विजिबल हूं आप सभी को? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा आवाज आ रही है आप सभी को, है ना। फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। नमस्कार भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग भाई सभी को, है ना। स्टार्ट करते हैं, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, 7 PM का ये जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। सात बजे आप रेगुलर पढ़ सकते हो, इस क्लास में आके आप पूरा कवरेज कर सकते हो, ठीक है। हर एक क्लास का जो कवरेज है वो आपको इसी क्लास में मिल जाता है यूट्यूब पे। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 7 बजे आइए, यूट्यूब पे पूरा कवरेज करिए। छोटा सा इसके बाद एक पेपर देना होता है, वो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। यूट्यूब पे आप एक बार इंडियन पॉलिटी सर्च कर लेना बेटा, है ना। जैसे अगर आप इंडियन पॉलिटी सर्च करोगे ना, आपको 6 घंटे का मैराथन मिलेगा। ये मैराथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप थ्योरी कवरेज करना चाहते हो ना, पूरी थ्योरी, तो आप इसमें पढ़ सकते हो आगे, ठीक है। फ्री क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में। आपके ये सब रैंक आने पर आपकी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप है, आप रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन, और संडे को आप 12 बजे एक्सेस करिएगा सारे के सारे अनअकैडमी कॉम्बैक्ट। उससे पहले फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। कल से हमारे कोर्सेज लाइव है, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक अपनी पूरी जो क्लासेस है पूरी कवरेज होगी, तो आप इस कोर्सेज को जरूर देखिए। आप 4 मंथ का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, आपको क्या करना है, ठीक है। 4 मंथ के एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन में आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। एसएससी गोल सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चन क्लिक करना है, हैव अ रेफर कोड में ये लगाना है, और आगे मंथ सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। ये तरीका रहेगा जिससे आप इस रेफर कोड से आप पूरा एक्सेस ले सकते हो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पूरे 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन ना बहुत वैल्यूएबल है, शेयर करना सारे के सारे। 100 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जल्दी से शेयर करना। Which country currencies, ठीक है, नेग्लुट्रम बते, कौन सा ऐसा देश है जिस कंट्री की करेंसी का नाम नेग्लुट्रम है, जल्दी से दे। नए क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी हो सकते हैं, सारा अपडेट मैं इस क्लास में कराने की कोशिश करता हूं। जैसे नेग्लुट्रम जो है किस देश की करेंसी है, कमेंट करिए किस देश की करेंसी है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए सारे के सारे। चलो दिमाग में रखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन मे भी किसी को ना आता हो, भूटान बता रहे हैं, चलो जी बहुत सारे बच्चे बता रहे, भूटान इसका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। बहुत सस्ती करेंसी है ये, है ना, बहुत सस्ती करेंसी है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर कही जाए तो भूटान की करेंसी की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग वर्टिब्रेट लैक एक्सोस्केलेटन, जल्दी से बताइएगा कौन सा वर्टिब्रेट है। देखो कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट होते ही, अब बताइए कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है जिसमें एक्सोस्केलेटन नहीं है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा। एक्सोस्केलेटन किसमें नहीं है, कौन सा वर्टिब्रेट है जिसमें एक्सोस्केलेटन नहीं, शेयर करना जल्दी से बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है चलिए आंसर क्या, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज सेटअप, जल्दी से बताइएगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज कौन से वर्ष में सेटअप हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है कौन से वर्ष में सेटअप हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, देखो हमें पता है एक चीज बड़ी आसान है कि हमारे देश में ना 3 जो है अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो कितनी है, 3 है। उसमें से ना कुछ बच्चे ना फॉरेन सर्विसेज को अखिल भारतीय सेवाएं समझते हैं, बेटा याद रखिए ये जो भारत का वन सेवा है ये अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है, 3 सेवाओं में से ये भी अखिल भारतीय सेवाएं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। राज्यसभा ने इसकी स्थापना करी थी, बहुत महत्वपूर्ण सवालों में से एक, राज्यसभा के द्वारा इसकी स्थापना जुलाई 1, 1966 में की गई। राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है जिसके थ्रू वो ना अखिल भारतीय सेवाएं जो है इसकी स्थापना कर सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है किसके पास है, ठीक है, सेवाएं, ठीक है, ये 1 जुलाई 1966। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन हैज अडॉप्टेड द नीम ट्री एज द स्टेट ट्री, कौन से राज्य का जो राज्य वृक्ष है
ठीक है, राज्य वृक्ष है नीम का वृक्ष। ठीक है, बताइए नीम का वृक्ष जो है कौन से राज्य के लिए राज्य वृक्ष है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से तीन राज्य हैं जिसका एक बर्ड, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, ठीक है ब्लू रे बर्ड है जो कि क्या बोलते हैं उसका स्टेट बर्ड है। ऐसे और तितली बटरफ्लाई के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है तमिलनाडु वाला, ऐसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। चलिए आंसर, गुड इवनिंग बेटा, शेयर करो सेशन को। आंध्र प्रदेश इसका आंसर, क्योंकि आंध्र प्रदेश से संबंधित है इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हैं। करंट अफेयर में आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित नीम पेड़ जो है आंध्र प्रदेश का क्या है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, नीम पेड़ जो है आंध्र प्रदेश का क्या है, राज्य वृक्ष है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर सोल्व करेगा, थोड़ा ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। साइंस के जो भी क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपको इस सीरीज में, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा बेटा। डेली क्लास का टाइम है 7 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉमन एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। कॉमन एंड प्रोडक्ट क्या है, इसमें एक लैक्टिक एसिड दे रखा है, क्या लैक्टिक एसिड कॉमन एंड प्रोडक्ट होता है एन एरोबिक एक्सरसाइज का, क्या लैक्टिक एसिड कॉमन एंड प्रोडक्ट होता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, शेयर करिए सेशन को, क्या होना चाहिए आंसर। देखो एक तो ना एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, बाय प्रोडक्ट है। क्या है, बाय प्रोडक्ट है, उप उत्पादक कह सकते हैं। ठीक है, बाय प्रोडक्ट है, उप उत्पादक। ठीक है, और अगर आपसे उत्पादक कहे ना तो उत्पादक लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, याद रखिए महत्वपूर्ण सवाल है, अगर उत्पादक कहे तो लैक्टिक एसिड लगाइएगा और उप उत्पादक कहे तो कार्बन डाइऑक्साइड लगाइए, ये भी दिमाग में रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बाय प्रोडक्ट पूछे तो आप उप उत्पादक जो है, ठीक है ये भी पूछा जा सकता है आप सभी से। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। ठीक है, महात्मा गांधी जी इन सब जगह से संबंधित है, ज्यादातर संबंधित आपने सुना हो चंपारण से संबंधित है ना। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिमा जो महात्मा गांधी जी की है वो कहां पर है, कमेंट करिए। बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है महात्मा गांधी जी की वो कहां पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा महात्मा गांधी जी कहां पे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पार्टिसिपेट करो सारे के सारे। ठीक है, शेयर करो साथ के साथ। चलो जी, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिए पटना इसका आंसर है, पटना में है दुनिया की सबसे बड़ी जो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। ठीक है, पटना से संबंधित है डेफिनेटली महात्मा गांधी जी, है ना। टेलोमिक्सा रेजिया रेफिन जो है किसका साइंटिफिक नेम है। अब भाई साइंटिफिक नेम के क्वेश्चन तो बेसिकली सारे आएंगे, है ना, इसकी कवरेज तो पूरी करनी है, इसकी कवरेज तो पूरी करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएंगे। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिएगा आंसर इस क्वेश्चन का गुलमोहर इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, 7 बजे रेगुलर पढ़ो, शेयर करो सेशन को, जल्दी से बताओ। विच इज द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू पास द फूड सिक्योरिटी। महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, हमारे भारतवर्ष में बहुत से राज्य हैं जिनका फूड सिक्योरिटी लो है, लेकिन सबसे पहला स्टेट कौन सा था जिसने फूड सिक्योरिटी लो को पास किया था, खाद्य सुरक्षा कानून को पास किया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा कानून को पास किया था किस राज्य ने, जल्दी से बताइए, महत्वपूर्ण सवाल। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर छत्तीसगढ़। ठीक, कईयों को तो पता ही नहीं होगा, कई बच्चे सोचे छत्तीसगढ़ हो ही नहीं सकता बेटा, छत्तीसगढ़ ही इसका आंसर है। फूड सिक्योरिटी लो कहीं पे बनेगा, जहां पे पॉवर्टी होगी, है ना, तो पॉवर्टी के हिसाब से तो छत्तीसगढ़ में। आप ना जानते हो तो बता दे, दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब, भारत के जो सबसे ज्यादा गरीब जो रह रहे हैं, ठीक है, जनसंख्या है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है कि भारत की सबसे ज्यादा गरीब जनसंख्या जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे की जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ में, क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी। ठीक है, चलिए, और फूड सिक्योरिटी लो भी यही पे बनाया गया था। दो इंफॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको इसमें बता दी। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर।
हु बिल्ड द फेमस वेंकुटा पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम? कांचीपुरम में वेंकुटा पेरुमल टेम्पल जो है किसने बनाया? फेमस है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है नंदी वर्मन सेकंड, इसका आंसर है। ठीक है, नंदी वर्मन सेकंड इसका आंसर। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल एग्जीक्यूटिव? जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा प्लूरल एग्जीक्यूटिव का उदाहरण है, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर क्या है? ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, प्लूरल एग्जीक्यूटिव का उदाहरण क्या है? देखो, प्लूरल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? ठीक है, बहुवचन कार्यकारी का मतलब क्या होता है कि एक ही। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री एग्जीक्यूटिव है, और इसी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखने के लिए एक हो रहे हैं। ठीक है, याद रखिए स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है, स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है, और ये इसी वजह से स्विट्जरलैंड जो है एक ऐसे देशों में से एक है जहां पे बहुत प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव जो है पॉलिटिकल टर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, सोल्व करो क्वेश्चन, शेयर करो सेशन को, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, शेयर करो सेशन को, जल्दी से बताओ। वेयर डू द रेड ब्लड सेल फॉर्म इन द मैमल? ठीक है, मैमल्स में आरबीसी कहां बनता है? बेसिक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि मैमल्स में आरबीसी कहां बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए। मैमल्स में आरबीसी कहां बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आंसर क्या है बेटा, मैमल्स में आरबीसी ऑब्वियसली बोन मैरो में बनता है आरबीसी, और स्प्लीन में खत्म होता है। ठीक है, स्प्लीन में खत्म होता है, बोन मैरो में मरता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है कि बोन मैरो में बनेगा, स्प्लीन में जाके खत्म होगा। ठीक है, बैकयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है स्प्लीन को, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, विच इज द ओनली कंट्री हुज पोस्टेज स्टैम्प डू नॉट बियर इट्स नेम? मतलब जैसे भारत की जो पोस्टेज स्टैम्प होती है ना, जो भी बनाई है, बहुत सारी बनी हुई है, उन सभी में इंडिया का नाम लिखा होता है। ठीक है, पोस्टेज स्टैम्प में इतना छोटा सा इंडिया जरूर लिखा होता है, डेफिनेटली लिखा होता है हर एक में, लेकिन ये इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसके पोस्टेज स्टैम्प में इस देश का नाम नहीं लिखा हुआ, बताइए किसी भी पोस्टेज स्टैम्प में इस देश का नाम नहीं लिखा, आंसर क्या? ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा इसमें से आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का यूके, यूके इसका आंसर है। ठीक है, यूके इसका आंसर है, यूके में यूनाइटेड किंगडम की पोस्टेज स्टैम्प में यूके का जो नाम है नहीं लिखा हुआ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन सोल्व करें यार, देखो एक्टिव मोड रखो, शेयर करो सेशन को बढ़िया तरीके से, 7 बजे एग्जैक्ट आ जाए करो टाइमिंग पे। ठीक है, क्लास ऐसी है अगर आप यहां पे 7 बजे पढ़ गए ना, 20 दिन, ज्यादा दिन नहीं 20 दिन, आपके वो 2000 क्वेश्चन रहेंगे जो पेपर में मुझे लगता है क्या आएंगे, बताइए इस क्वेश्चन आंसर। इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मध्य प्रदेश में नहीं है, यानी कि 3 साइट ऐसी है जो मध्य प्रदेश में, इसमें बताइए कौन सी 3 साइट ऐसी है इसमें जो मध्य प्रदेश में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, कौन सी 3 साइट ऐसी हैं इसमें से जो मध्य प्रदेश में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, आसान है क्वेश्चन, आंसर क्या इस क्वेश्चन का कि हम अगर मैं इसमें देखूं कि भाई सन टेंपल जो कोनरोक उड़ीसा में है, हमें ऐसे भी पता है कि सन टेंपल कोनरोक जो है कहां पे, उड़ीसा में। ठीक है, अगर ये उड़ीसा में है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उड़ीसा में है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन डस वर्ल्ड पोएट्री डे टेक प्लेस, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वर्ल्ड पोएट्री डे किस दिन मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऐसे क्वेश्चन हम ना एक कॉमन पढ़ लेते हैं, एनवायरमेंट डे किस दिन मनाया था, वर्ल्ड क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया था, बेसिक है, लेकिन यार मे भी आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछे रहे, वर्ल्ड पोएट्री डे किस दिन मनाया था, वर्ल्ड बैराइल डे किस दिन मनाया, वो सब भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है, महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर द चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर द चिल्ड्रन एंड द यंग पीपल, ये किस दिन मनाया था, बताइए। मार्च के आज सारे जितने भी दिन है ना, सारे आज ही कवर कर लें,
मार्च वाले कवर कर लेंगे आज, ठीक है, मार्च वाले सारे कवर कर लेंगे आज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, मार्च वाले कवर कर लेंगे। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, देखो फैक्ट है, स्टैटिक जीके का फैक्ट, जैसे अभी ये 21 मार्च का पूछा, अब 20 मार्च का पूछ लिया, आप सारी चीजें याद रखो ना, धीरे धीरे आप चीजें याद कर पाओगे। जैसे अगर ये चीजें आपके लिए नहीं है कि आपने 21 मार्च ये पढ़ लिया, 20 मार्च ये पढ़ लिया, इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट करो, कुछ तो ऐसा है कि जो हमें नया सीखने को मिले क्लास में, तभी तो फायदा क्लास का। सेंटर, जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई फूड लो जो है, फूड सिक्योरिटी लो सबसे पहला किस राज्य में लागू किया गया था, ये सब चीजें नहीं है, सीखनी है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, जल्दी से बताइए, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, जल्दी से बताइए, ठीक। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, ठीक है, आंसर क्या, ओके डियर, ठीक है, आंसर क्या बेटा, याद रखिए मैसूर है, मैसूर में है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, एसएससी का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन का आंसर, फॉर्मेशन ऑफ अनायन अकर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अनायन क्या होता है बेटा, बेसिक क्वेश्चन है कि अनायन क्या होता है, वी बोल लो, अनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज होता है ना अनायन में, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो बस वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आंसर गेन वाला होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तभी तो वो नेगेटिव चार्ज है ना, है ना। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर है, ठीक, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका आंसर, महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, पूछा जा सकता है, ठीक, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका आंसर है, महत्वपूर्ण सवाल। एक और क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 लेटेस्ट है, हमारा तो इसमें रैंक पता ही है, मैंने परसों आपको कराया था, मैं रोज रिपीट नहीं कराता कोई भी क्वेश्चन, मैंने परसों आपको करा दिया था कि इस साल का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, टोटल 149 देशों में से इंडिया का रैंक क्या है बेटा, 139 है, इंडिया का रैंक इस बार का ये है, ठीक है, बहुत पीछे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने कि भाई दुनिया में सबसे आगे कौन सा है देश, ठीक है, टॉप किसने किया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, बताइए आंसर क्या, शेयर करो यार मैक्सिमम आंसर क्या इस क्वेश्चन का, फिनलैंड बता रहे हैं आंसर, यार इंडिया का भी याद रखना और फिनलैंड भी याद रखना कि टॉप पे फिनलैंड है और इंडिया का रैंक 139 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इंडिया की रैंक भी बहुत बार पूछी जाती है और टॉप पे आने वाला फिनलैंड है, तो फिनलैंड भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली सबसे अपडेटेड कंटेंट 7 बजे मिलता है आपको, जो आपको करना ही करना है वाईफाई स्टडी पे आके, अगर आप रेगुलर पढ़ोगे ना तो एक क्लास भी काफी होगी। वर्ल्ड वाटर डे किस दिन मनाया जाता है, मार्च के सारे दिन आज पढ़ लेंगे, मार्च का कोई भी दिन आज नहीं छोड़ेंगे, सारे दिन पढ़ लेंगे मार्च के जितने भी, ठीक, बताइए इस क्वेश्चन आंसर के। हर मंथ का स्टैटिक जीके, हर मंथ का करंट अफेयर मैं उठा रहा हूं एक एक क्लास में, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया था, आंसर क्या है, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया था, किस दिन, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया था। बायोडाइवर्सिटी का भी क्वेश्चन आएगा इसी जैसा, 22 की 22 जो है डेट है ना, इसी हिसाब से सब कुछ आता है बेटा यूट्यूब पे, ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो लेकिन अन अकेडमी जो आप पढ़ना चाहते हो ना, तो लाइव ओमन रेफर कोड से आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो मेरी क्लासेस में, मेरी फ्री क्लासेस, मेरे प्लस क्लासेस सभी के लिए रेफर कोड ये है, अन अकेडमी आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो उस रेफर कोड। हु इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, साइको एनालिसिस के फाउंडर कौन है, कमेंट करिएगा, हु इज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, आंसर क्या, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। जो बच्चा आ रहा है ना इस क्लास में पार्टिसिपेशन कर लो, एक घंटा अपना दे दो इस क्लास में, यूट्यूब पे भी आप 100 क्वेश्चन रेगुलर करोगे डेली। सिगमेंट फ्लूइड इसका आंसर है बेटे, याद रखिए सिगमेंट फ्लूइड इसका आंसर है, ठीक है। बहुत से बच्चे सोचो सिगमेंट फ्लूइड हर चीज की खोज करते थे क्या, ठीक है, फाउंडर है भाई साइको एनालिसिस के, जॉर्ज मेंडल आप सभी जानते हैं, लुईस पोस्टर केमिस्ट्री से संबंधित, जेम्स चैडविक वी ऑल नो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसरो, इसरो की स्थापना, देखो जैसे आपको मैंने कल एक क्वेश्चन कराया कि डीआरडीओ का मोटो क्या है, ठीक है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस, मैंने एक मोटो कल कराया था ना, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस, ठीक है, ये मैंने मोटो कराया था कि भाई ये किसका मोटो है, डीआरडीओ का, उसके साथ मैंने उसका स्थापना भी करा दिया था। आज मुझे बताओ इसरो का स्थापना दिवस क्या है, कौन से वर्ष जो है, कौन से वर्ष में इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है,
इसका फाउंडेशन कब हुआ था? अच्छे क्वेश्चन में से एक पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन में से एक इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है? ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? आंसर इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, आंसर है 1969 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज द फर्स्ट इनहेबिटेड वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट। ठीक है, देखो अब कोई बोले कि इनहेबिटेड कौन सा होता है, ठीक है, पूरी दुनिया का पूछा गया है, पूरी दुनिया का सबसे पहला स्मारक, ठीक है, जो एक विरासत स्मारक है जहां पे मतलब लोग रहे, एग्जैक्टली बोला जाए, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इनहेबिटेड। कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छे क्वेश्चन में से एक है, थोड़ा सा मुश्किल नया क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? पीडीएफ दोस्त कमेंट बॉक्स पे आएगी, अश्योरिटी है पीडीएफ कमेंट बॉक्स पे आएगी, ठीक है? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, जैसलमेर फोर्ट जो है, ठीक है, जैसलमेर फोर्ट जो है ये फर्स्ट इनहेबिटेड वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, ठीक है, अंबर फोर्ट नहीं है बेटा, अंबर फोर्ट नहीं है, जैसलमेर है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको बिल्कुल अलग से, जितने भी मुझे लगता है ना क्वेश्चन जो बच्चों ने आज तक नहीं पढ़े होंगे वो सारे क्वेश्चन पढ़ा दूं कि एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वो तो सभी को आता है ना, कुछ नया सीख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसी क्लास में सीख सकते हो सब कुछ नया, ठीक है? बताइए, हु कॉल्ड पॉलिटिकल साइंसेस इन एग्जैक्ट साइंस, मतलब ये साइंस नहीं है एग्जैक्टली, वैसे भी राजनीतिक विज्ञान साइंस है ही नहीं है, ये किसने कहा था, कमेंट करिएगा। पॉलिटिकल साइंस इज इन एग्जैक्ट साइंस, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, सोल्व करिएगा आंसर क्या होगा, इफ यू डोंट नो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई मारो, आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, ठीक है? आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर भाई हमेशा पीडीएफ कमेंट बॉक्स पे आती है, एक भी दिन नहीं रहा जिसमें पीडीएफ कमेंट बॉक्स में डाली, थोड़ी सी लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बुकेल इसका आंसर है, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कॉटन फाइबर आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, बताइए, हमारा जो फाइबर होता है कॉटन फाइबर, ठीक है, ये प्लांट के कौन से भाग में होता है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है, शेयर करना सेशन को जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा, ठीक है? कमेंट करिएगा, कॉटन फाइबर जो होता है वो प्लांट के कौन से भाग में होता है, ठीक है? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कॉटन फाइबर कौन से भाग में होता है बेटा, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एपिडर्मल फोलिस ऑन द सीड, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉटन फाइबर जो होता है ना कॉटन की सीड्स के एपिडर्मल्स में होता है, ठीक है ना, सीड्स में होता है, सिंपल, आप कुछ भी याद ना रखो तो बस इतना याद रखो कि भाई सीड्स में होता है, बस इतना याद रख लो, इससे भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पेपर में तो ऐसा होना चाहिए ना कि आप स्पेसिफिक पढ़ो, सीड देखते आंसर लगा दो कि हाँ भाई सीड में, ठीक है, ऐसे करना आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, रूट में कौन बता रहे हो भाई, ये क्वेश्चन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना नहीं, लेकिन हाँ जी, विच टाइप ऑफ वेव इज यूज इन नाइट विजन इक्विपमेंट, आसान क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग के बहुत सारे आपके उदाहरण पूछे जाते हैं, है ना, किसके, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है ना, ईएमटी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव, इसके बहुत सारे उदाहरण पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें से एक है ये, उसमें से एक है, कमेंट करेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है जिसको हम रात में विजन के लिए यूज करते हैं, नाइट ऑपरेशन होते हैं ना जो आर्मी करती है नाइट ऑपरेशन, या फिर और भी बहुत सारी चीजें रात को जो हम, ठीक है, विजिबिलिटी सिर्फ इसी रेस से बन सकती है, कौन सी एमटी रेस है, आंसर क्या बेटा, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर है इंफ्रारेड रेस, ठीक है, इंफ्रारेड, और इसी को हमने टेलीविजन जो रिमोट्स होते हैं ना, ठीक है, टेलीविजन के रिमोट्स होते हैं, टीवी के जो रिमोट्स होते हैं उसमें भी यूज करते हैं, ठीक है, टीवी के रिमोट जो होते हैं उसमें भी जो रेस यूज होती है वो वेव्स जो यूज होती है वो इंफ्रारेड वेव्स ही होती है, क्वेश्चन आते हैं इस पे भी, है ना, मैं आपको ये करा चुका हूं, ये नहीं कराया था तो मैंने आपको ये भी करा दिया, ऐसे में माइक्रोवेव का भी आपको करा चुका हूं कि ओवन में कौन सी वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स का भी करा चुका हूं कि जो एरोप्लेन का जो सिग्नल है वो रेडियो वेव से पता चलता है, ठीक है, ये सब चीजें हो चुकी है आपकी, है ना, एक एक करके। चलिए इस क्वेश्चन आंसर बताइए, फॉर ये क्वेश्चन नहीं करना, छोड़ेंगे, व्हाट इज नॉट जनरली रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए क्या नहीं चाहिए, अंकुरण के लिए क्या नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, कमेंट करिएगा, सोल्व करिएगा, शेयर करिएगा सेशन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर की,
अंकुरण के लिए क्या नहीं चाहिए? सोल्व करिए आसान क्वेश्चन। देखो अंकुरण के लिए जमीन के नीचे है, बीज क्या है जमीन के नीचे होता है ना, तो जब जमीन के नीचे है तो लाइट की तो जरूरत है ही नहीं, लाइट की तो जरूरत है नहीं, ठीक है, तो लाइट तो नहीं चाहिए, है ना, है ना। तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर है लाइट। बेटा रेगुलर क्लास का टाइम 7 बजे है, फिक्स टाइमिंग है 7 बजे। एक और क्वेश्चन देखो, इन यूएसए प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए आंसर क्या है? अमेरिका में राष्ट्रपति, देखो अगर मैं कहूं कोई देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, जैसे हम एक लोकतांत्रिक देश है, हम कहें कि हमारे देश में कैसे चुनाव होता है, तो बेटा कहीं ना कहीं यूनिवर्सल अटेंड फ्रेंचाइजी तो होती है ना, ठीक है, यूनिवर्सल अटेंड फ्रेंचाइजी तो होती है कि वोटिंग होती है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्टली समझ लो, लेकिन होती तो वोटिंग है ना। तो आंसर इसका क्या है? यूनिवर्सल अटेंड फ्रेंचाइजी इसका आंसर है। जब भी कोई एक लोकतांत्रिक देश आएगा ना, उसमें आंसर यही रहता है, ठीक है, लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, ठीक है, लोगों से चुन के आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए, हॉटेस्ट पार्ट, फ्लेम जो होती है, जैसे मान लो आग लगी कहीं पे, जैसे फ्लेम में, ठीक है बेटा, सबसे हॉटेस्ट पार्ट क्या होगा? कमेंट करें। दो पार्ट होते हैं, एक ल्यूमिनस होता है, एक नॉन ल्यूमिनस होता है, बताइए सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तसल्ली से क्वेश्चन सोल्व करो। वी हैव एटलीस्ट 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे से भी ज्यादा हम पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, बस आप तसल्ली से क्वेश्चन सोल्व करो। ये 7 बजे हम 100 क्वेश्चन करते हैं, रेगुलर 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये 100 क्वेश्चन आपको क्या है, पार लगा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। आंसर क्या है? ये हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? कि जो कम चमकने वाला जोन है ना, नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है, वो हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा सकता है। नोकिया कंपनी किसने एक्वायर करी थी? जल्दी से बताइए, नोकिया ना कौन से देश की कंपनी थी? फिनलैंड देश की कंपनी थी, ठीक है, एक देश है फिनलैंड, उस देश की कंपनी थी जिसको अभी टॉप में आया ना, ये फिनलैंड किसमें आया? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पे है ये देश, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इस साल का 2021 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड टॉप पे है, अभी हम रिलेट किए। अब बताइए नोकिया को किसने एक्वायर कर रखा है? जल्दी से बताइए, ठीक है, बताइए नोकिया को किसने एक्वायर कर रखा है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? आप बहुत बेसिक है, ठीक है, वैसे नोकिया पहले बहुत फेमस था भारत में, माइक्रोस्कोप के साथ जुड़ते ही, लुमिया के साथ जुड़ते ही नोकिया का स्टार्डम खत्म सा हो गया एकदम से, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा कैरोटीन एज अ प्रोटीन? निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कैरोटीन एज अ प्रोटीन यूज किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या? बताइए, सोल्व करिए सेशन को, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, कौन सा इसमें अल्फा कैरेटीन एज अ प्रोटीन यूज किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? चलो आंसर क्या, बुल दे रखा है, ऊन दे रखा है एक, तो है ना, कैरेटीन बहुत सी चीजों में होता है, ठीक है बेटा, कैरेटीन बहुत सी चीजों में होता है, अगर मैं बात करूं तो हमारे नेल्स में होता है, ठीक है, बोन्स में होता है कैरेटीन, ठीक है, वुल में होता है कैरेटीन, बहुत सारी चीजों में कैरेटीन होता है, ठीक है, दिमाग रखिए, कैरेटीन का क्वेश्चन आया तो बहुत सारी चीजों में कैरेटीन पाया जाता है, ठीक है, उसमें से एक एग्जांपल वुल, ठीक है, ऊन जो होती है ना उसमें होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, पति PM10 और PM2.5, अगर आपने ये दो वर्ड सुने हैं बताइए किससे संबंधित है? ये दो वर्ड अगर आपने सुने हैं तो बताइए किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या? देखो इसका फुल फॉर्म क्या है ये पता होना चाहिए हमें, इसका फुल फॉर्म क्या है? पार्टिकुलेट, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, अब ये पर्टिकुलेट मैटर किससे संबंधित? शहरी एरिया जितने भी है ना, जैसे शहरी जितने भी क्षेत्र होते हैं वहां पे वाहनों के प्रदूषण की वजह से ये PM2.0 और PM10 जो है पर्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और ये प्रदूषण फैलाते हैं, तो आंसर एनवायरमेंट पोल्यूशन। हम चीजों को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का एक कंटेस्ट होता है, उस कंटेस्ट को पढ़े बिना आप रट्टा मारोगे, ठीक है, हम उसका फायदा नहीं होता कुछ, कंटेस्ट पढ़ना जरूरी है कि हमें इसका कंटेस्ट है क्या, किस लिए इसको हम पॉल्यूशन इसका आंसर करें, ठीक है, कंटेस्ट पढ़िए इस क्लास में 7 बजे कंटेस्ट पढ़ना है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक
कि कहां पे सिचुएटेड है, आसान क्वेश्चन है, इसरो कहां पे सिचुएटेड है, बड़ा आसान क्वेश्चन। अभी इसका स्थापना दिवस देखा था, अब बताइए कहां पे सिचुएटेड है, बड़ा आसान क्वेश्चन, इसरो कहां पे सिचुएटेड है, जल्दी से बताइए इसरो कहां पे सिचुएटेड है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इसरो कहां पे सिचुएटेड है, चलो याद रखना इसरो अगर आपसे पूछ रहे हैं कहां पे सिचुएटेड है तो ऑब्वियसली बेंगलोर में है, तो भाई अमृतसर अहमदाबाद ये सब जगह पे तो हो नहीं सकता, बेंगलोर इसका आंसर है, ठीक है कि बेंगलोर में सिचुएटेड है। बेटा रेगुलर आओ इस क्लास में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जेली फिश, इसमें से किसे हम जेली फिश कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जेली फिश किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, ठीक है, जेली फिश किसे कहा जाता है, कमेंट करिएगा आंसर क्या है। चलो बेटा याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जेली फिश किसे कहा जाता है, ठीक है, अरूला को कहा जाता है, हाइड्रा नहीं है, ठीक है, बाकी सब नहीं है, अरूला को जेली फिश कहते हैं, ठीक है, अरूला को जेली फिश कहते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, रात को 10 बजे जो क्लास होती है उसका मैं लिंक डाल दूंगा, पहले आप ये क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट मॉन्यूमेंट इन दिल्ली इज नॉट द वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट, भारत में दिल्ली में कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की कैटेगरी में नहीं डाला गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता वैसे इसमें कुछ है ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने वाला, ठीक है, बताइए। बस धरने बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, बताइए आंसर, मैंने हिंट दिया धरने बहुत सारे होते हैं, बताइए आंसर क्या है, धरने बहुत सारे होते हैं, ये हिंट है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो आंसर क्या है बेटा, वी ऑल नो जंतर मंतर ऑप्शन में दे रखा है, धरने होते हैं, जंतर मंतर इज द आंसर, हिमायू टॉम में कुछ तो है भाई, ठीक है, ये है, ये भी है और ये भी है, कुतुब मीनार भी है, डेफिनेटली है, जंतर मंतर नहीं है बेटा, याद रखिए जंतर मंतर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिग्नपट्टनम नाम सुनो, अब ये नाम आपने किसी संधि से संबंधित सुना होगा, ट्रीटी से संबंधित, ठीक है, कोई संधि हुई थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स से संबंधित, किससे संबंधित, मैसूर से संबंधित संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ सिग्नपट्टनम, ठीक, किससे संबंधित होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या, आसान क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ सिग्नपट्टनम, ठीक है, संधि हुई थी सिग्नपट्टनम की, जल्दी से बताइए। यहां पे एक फेमस ट्री ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, यहां पे ट्री ऑफ लिबर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां पे से एक क्वेश्चन और आता है ट्री ऑफ लिबर्टी वाला क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन में रिलेट करके जो जो चीजें आ सकती हैं, ठीक है, जो जो चीजें आप ऑल एग्जाम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहां पे आके 7 बजे पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं सिग्नपट्टनम बताऊं, ट्रीटी ऑफ लिबर्टी है, ट्रीटी है, टीपू सुल्तान ने करी थी, ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, टीपू सुल्तान। गलती ये है कि यहां पे बच्चे हैदर अली भी मैसूर से संबंधित है, हैदर अली लगा देते कुछ बच्चे, ठीक है, लेकिन हैदर अली है नहीं, आंसर टीपू सुल्तान, ठीक बेटा। मैं अभी 10 बजे वाला लिंक डाल दूंगा, पहले अभी आप ये क्लास करो और उसके बाद आप एक छोटा सा टेस्ट देने जरूर आना, एसएससी गुरु चैनल पे हर एक बच्चा है ना, टेस्ट तो मैंने बता ही रखा है, बताइए कौन सा डिसीज है जो कि बैक्टीरिया से होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक, कौन सा डिसीज बैक्टीरिया की वजह से होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो बेटे याद रखना कौन सा डिसीज बैक्टीरिया से होता है, बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक है, आंसर है लेप्रोसी, ठीक है, याद रखिए लेप्रोसी ना इंडिया में खत्म नहीं हो पाया, ये लेप्रोसी इंडिया में खत्म नहीं हो पाया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इंडिया में लेप्रोसी का अभी भी, ठीक है, जोर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, चिपकू मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है, वी ऑल नो, ठीक है, सेविंग ट्री, कहां पे, ट्रीज का आंसर है, आसान है, ठीक है, चलिए आसान है क्वेश्चन। बारबिट्रिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं, साइंस के छोटे क्वेश्चन जो हमें करने चाहिए, साइंस के वो क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें कर लेने चाहिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटा जो भी बच्चा आ रहा है रेगुलर आओ इस क्लास में, रेगुलर आओ तब बेनिफिट है इस क्लास का, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बताइए बारबिट्रिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा, चलिए आंसर क्या बेटा, ट्रैंक्विलाइजर लिखा हुआ है एक तो ऑप्शन में, ट्रैंक्विलाइजर लिखा हुआ है, ट्रैंक्विलाइजर इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बताइएगा रेट ऑफ कूलिंग किस पर डिपेंड करता है, सिंपल सा है, अगर मैं बात करूं कोई चीज गर्म है तो वो ठंडे होने में समय लगता है, वो किस लिए समय लगता है, पहला तो टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी और उसके सराउंडिंग में कितना है,
ठीक है, अगर हम किसी चीज को परात में रखते हैं, किसी चीज को ग्लास में रखते हैं, उसके कूल होने में फर्क होता है ना, हीटेड है अगर दोनों, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस पे नेचर क्या है, रेडिएटेड सरफेस कैसा है, ठीक है, एरिया कितना है, छोटा है या बड़ा है, ठीक है, ओपन है या फिर क्लोज्ड, ठीक है, इन सब पे डिपेंड करता है, तीनों पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो मैं कह सकता हूं ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर सभी पे डिपेंड करता है। एक और क्वेश्चन सोल्व करिए बेटा, क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका दिमाग खोलने में हेल्प करेंगे, मतलब आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है 7 बजे वाले नए क्वेश्चन से। जल्दी से होते इस क्वेश्चन से, सैलरी अलाउंस सुप्रीम कोर्ट के जज का, चाहे इधर सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, सैलरी अलाउंस इवन पेंशन कहां से मिलती है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन आंसर के, ठीक है, इवन पेंशन की बात कर रहा हूं, कहां से मिलती है इस क्वेश्चन आंसर के, जल्दी से बताइए, सोल्व करो, आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या है, ठीक है, इवन पेंशन की बात कर रहा हूं मैं, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कहां से है ना, देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लिखा हुआ, याद रखना सैलरी अलाउंस पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ये सब कुछ किससे मिलता है, सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। वेणु माधव ये करंट अफेयर समझ लीजिए एक तरीके से कि भाई वेणु माधव जो है रिसेंटली एक फेमस एक्टर थे, ये किस रीजनल सिनेमा के थे, ठीक है, बताइए कौन सा क्षेत्रीय सिनेमा है जिससे प्रसिद्ध थे, ठीक है, जिसमें प्रसिद्ध थे, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, वेणु माधव से संबंधित क्वेश्चन आया तो आंसर क्या होगा, बताइए बेटा। दो चीजें, पहला कि क्लास रेगुलर हो रही है तो ना पीडीएफ तो कमेंट बॉक्स पे आएगा ही आएगा, गारंटेड है, ठीक है, कल 5-10 मिनट लेट हो गया था लेकिन मैंने एसएससी गुरु के पेपर से पहले दे दिया था, ठीक है, आज भी एसएससी गुरु पे एक पेपर दोगे उसके बाद मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, तेलुगु इसका आंसर है, तेलुगु इसका आंसर है, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। एक क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन, देखो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, ये आइसोलेट किससे क्या आता है, जल्दी से बताइए किससे अलग है, जल्दी से बताइए पेनिसिलिन किससे अलग है, आंसर है इस क्वेश्चन का फंजाई कवक से अलग है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करिए, सोल्व करो, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इस साल का है, लेटेस्ट मंथ का, ठीक है, बताइए पहला स्टेट जिसने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अडॉप्ट किया है, जल्दी से बताइएगा, इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अडॉप्ट करने वाले पहले स्टेट का नाम बताइए, ठीक है, अडॉप्ट करने वाले पहले स्टेट का नाम बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा। चलिए आंसर क्या बेटा है ना, ये आ सकता है बिहार इसका आंसर है, बिहार इसका आंसर है, बिहार पहला राज्य बना जिसने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अडॉप्ट किया, परफॉर्म अचीव ट्रेड एंड स्कीम जो है ये किस मिशन के अंडर काम करती, कमेंट करिएगा आंसर क्या है, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, वी आर एटलीस्ट गोइंग टू डू 100 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे 100 क्वेश्चन करेंगे तो 20 दिन में 2000 ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे जो अलग क्वेश्चन है, जो सीखने लायक क्वेश्चन है, पता तो हमें सब कुछ है, जो नहीं पता ना वो सीखो इधर, ठीक है, हर क्वेश्चन है। परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम जो है किसके अंडर है, कौन से मिशन के अंडर है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक, आंसर क्या है, नेशनल मिशन ऑफ एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, बहुत फेमस है, इस मिशन के अंडर बहुत सारी स्कीम आती है, इस मिशन के अंदर बहुत सारी स्कीम आती है, उसमें से एक स्कीम है, उसमें से सिर्फ एक स्कीम है, 7 से ज्यादा स्कीम इसके अंडर आ रही है, इस मिशन के अंदर 7 से ज्यादा स्कीम आती है, उसमें से बस एक स्कीम दिखाई आप, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन, देखते हैं सोल्व करो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा। वर्ल्ड वाटर डे इस साल का, ठीक है, इसका थीम क्या रहा, जल्दी से बताइए, वर्ल्ड वाटर डे इस साल का जो है इसका थीम क्या रहा, कमेंट करिएगा, ठीक है, सोल्व करो आंसर क्या होगा, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे जो इस साल का है इसका थीम क्या है बेटा, जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा, थीम तो सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है, आप जो भी बच्चा देख रहे हो या तो थीम और ये जो डेट्स है ना, आप लेटेस्ट जितनी भी है सारी पढ़ लेना, ठीक है, और ये समझो इस चीज को दिमाग पर रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैल्यूइंग द वॉटर इस बार का थीम है, ठीक है, वैल्यूइंग द वॉटर इस बार का थीम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 7 बजे वाईफाई स्टडी पर रेगुलर क्लास होती है, 100 क्वेश्चन है और 2000 क्वेश्चन की सीरीज है, फॉर ऑल एग्जाम, व्हाट कॉजेस आई विजन डिजीज, बताइए
हमारी जो आंखें हैं उसकी जो दृष्टि है उसकी बीमारी जो है किसकी वजह से हो सकती है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है बताइए, है ना बताइए। एक तो होता है रिफ्रेक्टिव एरर होते हैं, ठीक है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ये सब, बाकी बताओ दूसरा। चलो बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का, एक तो रिफ्रेक्टिव एरर्स तो सुने ही होंगे, ठीक है, दूसरा क्या है कि हमारी आंखों की दृष्टि जो होती है उसमें किसी तरीके की बीमारी है तो उसका कारण क्या हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है, आईबॉल शॉर्ट है, ठीक है, जो हमारा आईबॉल होता है ना वो शॉर्ट हो सकता है, वो इसी में से ही है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया वाले क्वेश्चन है ना उसी में से ही है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, आईबॉल शॉर्ट हो सकती है। और आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, ए इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है, लेटेस्ट है, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, इंटेलिजेंस जो है यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट है ये, EIU जो है ना, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसके द्वारा ये जो रिपोर्ट एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स दिया गया, इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई, ठीक है, इंडिया का रैंक क्या रहा, ऐसे ही आपसे ये भी रिपोर्ट का किसने दिया ये भी पूछा सकता है, ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं उसका रैंक भी पूछ सकता है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए, चलिए आंसर क्या बेटा याद रखिए, आंसर है 10th इसका आंसर है, 10वें रैंक पे है इंडिया एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में। साइंस ओरिजिन इन साइंस किसका मोटो है, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बताइए, मैं अभी बता रहा था आपको, अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने ये क्वेश्चन कराया, स्टार्टिंग में मैंने ये क्वेश्चन कराया बेटा, जल्दी से शेयर करना सारे के सारे बच्चे सेशन को, जल्दी से बिल्कुल जल्दी से स्पीड में शेयर कर दो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा। स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस इसका जो है ना ये किसका मोटो है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किसका मोटो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चलो आंसर क्या बेटा याद रखिए, आंसर है इस क्वेश्चन का DRDO, किसका, DRDO का मोटो है, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। विच क्रिकेट टीम हैज वोन द रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020, लास्ट ईयर का जो ये जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज हुई थी ना ये अनअकैडमी से भी रिलेटेड रहा है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ये कौन जीता, बताइए कौन सा क्रिकेट टीम है जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जो लास्ट ईयर हुआ था वो जीता, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करेगा। बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो पुराने खिलाड़ी रहे सचिन तेंदुलकर सहवाग ये सब इस सीरीज में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन जीता, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए आंसर क्या, बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक आंसर इस क्वेश्चन का, इंडिया लेजेंड, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अपडेटेड है, करंट अफेयर ही आ सकता है, पूछा जा सकता है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, विच कंपोनेंट ऑफ लाइट आर ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से कौन सा कॉम्पोनेंट लाइट का एब्जॉर्व होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, टेस्ट फॉलो करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है ब्लू एंड रेड, कौन सा, ब्लू एंड रेड इसका आंसर है, पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द साइंस ऑफ, ठीक है, डैक्टिलोग्राफी इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से, द साइंस ऑफ डैक्टिलोग्राफी इज कॉमनली नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, कमेंट करिए, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है, आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना थोड़े थोड़े मुश्किल आ रहे हैं यार, ठीक है, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन तो आएंगे, है ना, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, साइंस ऑफ डैक्टिलोग्राफी जो है किससे संबंधित है, फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित है, ठीक, फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित है, महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित है, ठीक है, रेगुलर आओ भाई इस क्लास में, रेगुलर आओगे तो आप 7 बजे पूरा कवरेज कर लोगे, पूरी GK GS करंट अफेयर, मैं साइंस GK स्टैटिक GK करंट अफेयर लेटेस्ट जितना भी है सब कवरेज करा रहा हूँ शाम को 7 बजे इस क्लास में, ठीक है। कोको कोला कंपनी जो है इसका हेड ऑफिस कहां पे, ठीक है, यू शुड नो आंसर के इस क्वेश्चन का, अटलांटा में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है ना,
इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत रिक्वायर्ड है, हालांकि इसका बेनिफिट तो है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करता कोई इसमें, है ना, क्योंकि रिटर्न बहुत लेट आते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक पैनल बनाया गया और उसके हेड कौन बनाएंगे जल्दी से बताइए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए एक कमेटी बैठाई गई, एक पैनल बैठाया गया, उसके हेड कौन जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए। ठीक, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अमितेश कुमार सिन्हा इसका आंसर, अमितेश कुमार सिन्हा इसका आंसर। महत्वपूर्ण सवाल बेटा याद रखना, एसएससी ग्रुप पे आज पेपर होगा, पेपर होगा, क्लास नहीं होगी, क्लास नहीं कहेंगे उसे हम, एसएससी ग्रुप पे अपन लोग एक पेपर देते हैं 25 मिनट हार्डली 25 मिनट यू विल ठीक है इन्वेस्ट, और उसमें आपको ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज भी हम एक असली पेपर ही करेंगे लास्ट ईयर का जो भी होगा। ठीक है, 8:30 बजे, ठीक है 8:30 बजे याद रखिए, फ्लोरिकल्चर इसका आंसर है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू लेप्रोसी केस इन इंडिया। अब ये देख लो, मैंने आपको अभी कहा कि लेप्रोसी में इंडिया अच्छा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एलिमिनेशन नहीं कर पा रहा है, अब उस हिसाब से आंसर बताओ। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, उस हिसाब से आंसर बताओ कि लेप्रोसी रेट में जो है इंडिया कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है इतना। ठीक है, बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में हाईएस्ट नंबर, सबसे ज्यादा जो है रिपोर्ट जो है लेप्रोसी की किसकी आई है, किस देश की आई है, कमेंट करिएगा आंसर क्या, बताइए सोल्व करिए आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर क्या, चलो यही पे रिलेट हो रहा है ना आंसर, आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, भारत। ठीक है, भारत इसका आंसर है, इंडिया इज द आंसर, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इंडिया। एक और क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं है, सीआईएसएफ इसका आंसर, फालतू क्वेश्चन छोड़ेंगे। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे किसे मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मार्च के सारे दिन आज याद कर लेने, मैं टारगेट लेके आया हूं कि आज मार्च के करा दूंगा, ऐसे ही 3-4 दिन में 10 से 12 दिन एग्जैक्ट लगेंगे, सारे मंथ हो जाएंगे, 12 मंथ में तो ऑब्वियसली सारे मंथ हो जाएंगे, है ना। चलिए आंसर क्या, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे किसे मनाया जाता है जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे किसे मनाया जाता है, अच्छे क्वेश्चन में से एक पूछा जा सकता है, आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिए आंसर है 23 मार्च, 20 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कर लेने। ठीक है, 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मूडी के हिसाब से भाई, मूडी के हिसाब से और लेटेस्ट है 21 का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 की बात हो रही है। ठीक है, इनके हिसाब से हमारे देश का ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत, जल्दी से अच्छे क्वेश्चन में से। ठीक है, सेशन को लाइक कर देना और सारे के सारे शेयर कर दो, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना 7 बजे कौन कौन कनेक्ट होने वाला कल भी। ठीक है, क्योंकि अपन लोग रेगुलर जुड़ेंगे ना इस क्लास में तो हम बेनिफिट होगा। ठीक है, रेगुलर जुड़ने पे बेनिफिट होगा, लेकिन बिल्कुल रेगुलर जुड़ने पे। ठीक, कल भी 7 बजे क्लास होगी, फिक्स आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 17% इसका आंसर है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, यूट्यूब पे एक बार ना इंडियन पॉलिटिक्स सर्च कर लेना, ये आपके लिए कंपलसरी समझिए। अगर आप अभी जैसे 8:30 बजे पेपर होना है एसएससी ग्रुप है, उससे पहले आप 15 मिनट भी इस क्लास को ओपन करके देखते हो ना, आपका मन करेगा इसको पूरा देखो और पॉलिटी का कवरेज यही से कर लो। यूट्यूब पे एक बार इस क्लास के एंड होते इंडियन पॉलिटी सर्च करना, 6 घंटे का मैराथन आएगा, जरूर देखना एक बार ओपन करके। ठीक है, बताइए आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है जल्दी से बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसीसी, कमेंट करेगा इसका फुल फॉर्म क्या है आईपीसीसी का जल्दी से बताइए। ठीक है, मैं हर लेवल पे क्वेश्चन को लेके जा रहा हूं इस समय, इस क्लास में 7 बजे वाले कंटेंट को मैं सभी को कहता हूं एक ही यूट्यूब क्लास लो उसी में पढ़ो, तो वो यही है क्योंकि लेवल है इसमें। इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज इसका आंसर है आईपीसीसी। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल की जो क्लाइमेट चेंज के लिए सबमिट हुए थे उसमें कहा गया था कि हर एक देश अपना एक आईपीसीसी खोलेगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज खोलेगा, जिसमें वो अपनी रिपोर्ट बताएगा। ठीक है, और उसके बाद वो उसे सबमिट करेगा, तो ये वही है आईपीसीसी। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया ने सबसे पहला ये पैनल बनाया था पूरी दुनिया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, नया पीएसयू बनाया गया स्पेस का। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, सवाल ये पूछा गया इसके चेयरमैन कौन है जल्दी से बताइए। इसमें 2-3 सवाल और हैं इसी से संबंधित, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से संबंधित करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में 7 बजे दोबारा कर लेंगे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक और क्वेश्चन। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए। बेटा हर एक बच्चा जैसे आप इधर आ रहे हो ना, 8:30 बजे आके एसएससी गुरु चैनल पे
ठीक है, भूलना मत, मतलब अगर आप सीख लिए हो ना, यहाँ पे सीख रहे हो, तो एसएससी गुरु चैनल पे 25 मिनट का एक लास्ट ईयर का पेपर दे देना। आपकी हैबिट में सीखना और उसका टेस्ट देना अगर 20 दिन भी रहा ना, तब भी आपकी जीके थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, याद रखिएगा। ये जी नारायणन, इसका आंसर एक और क्वेश्चन देखिए, एसएससी गुरु चैनल में, विच मेटल इज यूज टू वल्कनाइज द नेचुरल रबर, नेचुरल रबर को वल्कनाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, आसान है, ठीक है, आसान है क्वेश्चन, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, देखो वल्कनाइजेशन के लिए हमने एक वर्ड सुना हुआ है, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट करेगा सारे के सारे, है ना, देखो सल्फर लिखा हुआ है, सल्फर लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सल्फर इसका आंसर है, मार्बल इज व्हाट टाइप ऑफ रॉक, मार्बल किस तरीके का रॉक है, जल्दी से बताइए, आसान क्वेश्चन, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है, मार्बल किस तरीके का रॉक है, जल्दी से बताइए, चलो आंसर क्या बेटा, जल्दी से बताइए, सो बेटा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आंसर क्या है, मेटामॉर्फिक है यार, मेटामॉर्फिक तापमान और ठीक है जो प्रेशर होता है ना उसके बदलाव से बनता मार्बल, ठीक है, तो मार्बल जब उसके बदलाव से बनता मेटामॉर्फिक रॉक होगा, ठीक है, ऐसे ही आपसे इग्नियस बोला जाए तो ग्रेनाइट हो जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, अगर आपसे सेडिमेंट्री बोला जाए तो शेल एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक का, इग्नियस का, सभी के एग्जाम्पल पढ़ने धीरे धीरे, इसी क्लास में होंगे, एक ही क्लास रखो फिक्स, 7 बजे वाईफाई स्टडी पे जुड़ना, भूलना मत, कल भी क्लास होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल ऑयल का मेन मेटल कौन सा है, जल्दी से बताएगा, बताइए पेप्टर ऑयल का मेन मेटल कौन सा है, जल्दी से बताइए, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए बेटा पेप्टर ऑयल का मेन मेटल कौन सा है, याद रखिएगा आंसर है इस क्वेश्चन का टिन, टिन जो है पेप्टर ऑयल का मेन मेटल है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिप्लॉयड इट्स ऑल वुमेन टीम फॉर कंटेजेंसी डिजीज, कॉन्स्टिट्यूंसी ड्यूटीज के लिए हाल फिलहाल में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऑल वुमेन टीम को क्या है लगाया, वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन रेयरली काम करती है, ठीक है, क्योंकि ऐसी आपदा हमारे भारत में बहुत रेयर आती है डिजास्टर से संबंधित, लेकिन कोरोना वायरस इज ऑल्सो डिजास्टर, ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा, हिंट दे रहा था, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, NDRF, ठीक है, NDRF, ठीक है, दिमाग रखिए, NDRF जो है ये ऑल वुमेन टीम जो है कंटिजेंसी टीम जो है लॉन्च की, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, अरे बेटा आज की लूसेंट क्लास का लिंक ऊपर लगा दिया है, लूसेंट सीरीज मस्ट होती है, ऊपर लिंक दे रखा है, नोटिफाई कर लेना लाइव अमन रेफर कोड यूज करके, ये रेफर कोड यूज करना, नोटिफाई करें, 10 बजे 2 घंटे का सीरीज लूसेंट पढ़नी है, अलग अलग चीजें हैं, लूसेंट अगर पढ़नी है तो आपको 10 बजे पढ़ लेना भाई, सिंपल सी बात, ठीक है, रेडियो इम्यूनेंसी जो है इज द थेरेपी यूज टू क्योर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको क्योर करने के लिए, क्या बीमारी सही करने के लिए जो है कि यूज किया जाता, आंसर क्या, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, चलो बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज एंड हॉर्मोन प्रेजेंट इन द ब्लड सैंपल, ठीक है, एंटीबॉडीज और जो हॉर्मोन्स प्रेजेंट है हमारे ब्लड सैंपल में उसको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है इस क्वेश्चन, इसमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो कम मात्रा में चाहिए, ठीक है, माइक्रो मतलब जो न्यूट्रिएंट कम मात्रा में चाहिए वो माइक्रो होगा ना, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, ठीक, कम मात्रा में क्या चाहिए, जल्दी से बताइए, ठीक है, आंसर क्या बेटा, दिमाग में रखिएगा आंसर क्या, देखो माइक्रो पूछा है ना, तो आंसर है बोरोन, क्योंकि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, याद रखिएगा नाइट्रोजन CONH, ये चारों के चारों मैक्रो होते हैं, ठीक है, सवाल मैक्रो का भी आ सकता है, तो ये चारों के चारों मैक्रो होते हैं, तो मैक्रो मैक्रो और मैक्रो, ठीक है, और बोरोन दे रखा है जो माइक्रो है, ठीक है, बोरोन दे रखा है जो माइक्रो है, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, ठीक है, किस तरीके प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस किस तरीके की प्रोसेस है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, फोटोसिंथेसिस किस तरीके की प्रोसेस है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, फोटोसिंथेसिस किस तरीके की प्रोसेस है, कमेंट करिए, ठीक है, शेयर करो सेशन को, जल्दी से बताओ फोटोसिंथेसिस किस तरीके की प्रोसेस है, आंसर क्या है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है,
अब मुश्किल भी है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, रिडक्टिव ठीक है, एंड्रोजेनिक और एनाबोलिक प्रोसेस है ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या। डिस्क्राइब द प्रेस ग्रुप एज द थर्ड हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, कौन से व्यक्ति थे जिसने किसी समय में, और आज माना जाता है ठीक है भारत में भी माना जाता है, जिस व्यक्ति ने किसी समय में प्रेस को, मीडिया को, किसको, मीडिया को ठीक है थर्ड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर माना, कि लोकसभा और राज्यसभा और उसके बाद मीडिया ठीक है, उसी के बाद बिल पास होता है ठीक है, ऐसा किसने कहा था किसी समय में ठीक है। चलिए अगर मीडिया अच्छे से काम करे तो कर सकता है ऐसा ठीक है, ये हो सकता है ठीक है, लेकिन विडंबनाएं हैं हमारे देश की या किसी भी देश की ठीक है, मीडिया डज नॉट वर्क ठीक है, बस कुछ है जो अच्छा भी काम करते हैं। एच एम फिनर इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए, एच एम फिनर ने कहा था ऐसा ठीक है, हमारे एच एम फिनर ने कहा था ठीक है। बेटा पीडीएफ देखो यार, अभी ना एसएससी गुरु चैनल पे, यूट्यूब का चैनल है एसएससी गुरु, उस पे ना 8:30 बजे मैं पेपर कराऊंगा, डेली का है, यहाँ पे क्लास करके बच्चे वहां पे पेपर देते हैं, जितने में आप 8:30 बजे 25 क्वेश्चन का पेपर दोगे, 25 मिनट से 20 मिनट लगेंगे उसमें, उतने में आपके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे इसका पीडीएफ आ जाएगा ठीक है, याद रखिए कमेंट बॉक्स पे इसका पीडीएफ आ जाएगा। स्विट्जरलैंड जनेवा ठीक है, रोंगली ठीक है, स्विट्जरलैंड जनेवा नहीं है ना ऑब्वियसली। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैपिटल की बात हो रही है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, किडनी डिसीज इन ह्यूमन इज कॉज बाय द विच पॉल्यूशन, कौन से प्रदूषण की वजह से किडनी डिसीज होती है, मानव में, इंसान में गुर्दे का रोग जो होता है कौन से प्रदूषण की वजह से होता है, कमेंट करिए, इंसान में गुर्दे का रोग जो होता है किस प्रदूषण की वजह से होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन, चलो आंसर क्या है बेटा, याद रखिएगा आंसर है इस क्वेश्चन कैडमियम। चलिए याद रखना, जो भी बच्चा देख रहा है मिस मत करना है, अभी पहला तो आप ना ये जो लिंक है ना ऊपर इसको नोटिफाई कर लेना, ये रेफर कोड यूज करके, मतलब लूसेंट पढ़नी है फ्री में तो अन अकेडमी का ये क्लास होगा रात को 10 बजे 10 PM पे, उसका लिंक नोटिफाई कर लेना लाइव रेफर कोड यूज करके। अभी सारे के सारे बच्चे ये क्लास रेगुलर देखने के साथ साथ ना, जैसे आप अगर आप ये 7 बजे क्लास रेगुलर देख रहे हो उसके साथ साथ आप PYQ जरूर पढ़ना बेटा ठीक है, पेपर देना 8:30 बजे SSC गुरु चैनल पे, हर एक बच्चा 8:30 बजे पहुंच जाना SSC गुरु चैनल सर्च करके, YouTube पे सर्च करना है ठीक है, 8:30 बजे पेपर देना सभी को, छोटा सा पेपर होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे लोकेटेड जल्दी से बताएंगे ठीक है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे लोकेटेड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छा क्वेश्चन आंसर है, कोलकाता बेसिक क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चन करा रहा हूं A to Z, इस क्वेश्चन का आंसर देगा ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन जो है इससे क्या होता है, कमेंट करेगा सेल्फ पोलिनेशन से क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा, सेल्फ पोलिनेशन से क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शेयर करो सेशन को जल्दी से बताओ आंसर क्या है ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताएगा। चलो याद रखना, सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, इनब्रीडिंग होती है, क्या होती है इनब्रीडिंग ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन में इनब्रीडिंग होती है। लास्ट ईयर का गांधी पीस प्राइज जो है किसको मिला जल्दी से बताएगा, लास्ट ईयर का गांधी पीस प्राइज किसको मिला, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा, लास्ट ईयर का गांधी पीस प्राइज किसे मिला, कमेंट करेंगे, रेगुलर आओगे तो इस क्लास में बहुत बेनिफिट होगा, 7 बजे आंसर क्या इस क्वेश्चन का ठीक है, लास्ट ईयर का गांधी पीस प्राइज किसे मिला, याद रखिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा शेख मुजीब रहमान इसको मिला ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, जी वी रामकृष्णा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द चीफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, कौन से संगठन के ये पूर्व प्रमुख थे, जीवी रामकृष्णा बताइए, जीवी रामकृष्णा कौन से संगठन के प्रमुख रह चुके हैं, ये जल्दी से बताइए आंसर क्या। तो बेटा जो भी बच्चा देख रहा है ना, एक तो ऊपर लिंक नोटिफाई कर लो लाइव ओवर रेफर कोड यूज करके, डेली क्लास देखो 7 बजे है ना, और एसएससी गुरु चैनल पे 8:30 बजे पेपर दे देना, हैबिट बनाओगे ना पेपर देने की तो आपकी हैबिट आपको ना पेपर में बहुत बेनिफिट देगी, कि आपने पेपर की हैबिट बना रखी है 25 क्वेश्चन सोल्व करने की, आंसर इस क्वेश्चन का सेवी ठीक है, 7 बजे रेगुलर आओ हर एक बच्चा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ठीक है, आप जो भी बच्चा देख रहे हैं 10 बजे वाला क्लास नोटिफाई करें, क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब हम मिलेंगे एसएससी गुरु चैनल पे
YouTube पे ना इतनी देर, एक बार इंडियन पॉलिटी जरूर सर्च कर लेना, मैंने आपको बता दिया इंडियन पॉलिटी सर्च कर लेना सारे के सारे, मैराथन देखना इंडियन पॉलिटी सर्च करके, ओपन कर लो एक बारी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी YouTube पे 6 घंटे का मैराथन जो मैंने आपको दिखाया। एसएससी गुरु चैनल आप सभी के लिए अवेलेबल है, रात को अभी 8:30 बजे आधे घंटे बाद आपका पेपर होगा यहाँ पे, रियल पेपर जो होता है ना एग्जाम के, 25 क्वेश्चन जो आए हैं, पेपर जो आया है पूरा पेपर उठा के मैं आपसे क्लास करवाता हूँ, ठीक है। 20 मिनट में आपका पेपर हो जाएगा 8:30 बजे। एसएससी गुरु सर्च कर लेना 8:30 बजे हर एक बच्चा। ये लिंक 10 बजे का लूसेंट सीरीज का ऊपर लगा दिया मैंने, है ना, हर एक बच्चा देख लो, लिंक ऊपर है। कोर्सेज आपके ना संकल्प बैच के लाइव हो चुके हैं, देखो संकल्प बैच भी लाइव हो चुका है आपका और सफलता बैच भी लाइव हो चुका है आपका, ठीक है। तो आप इसमें कल से जुड़ सकते हो, 12 तारीख कल है, कल अपने कोर्सेस लाइव है, सुबह 8 बजे से क्लासेस है। इस रेफर कोड लाइव अमन पे 10% डिस्काउंट भी हो जाएगा और आपके ऑफर 4 मंथ 2 मंथ वाले भी जो फ्री आपको मिल रहा है एसएससी सब्सक्रिप्शन में वो भी आपको अवेलेबल होंगे। तो ये तरीका रहेगा, आपको क्या करना है सीधा इसी रेफर कोड पे सारे चीजों का डिस्काउंट है, ठीक है, हर एक एग्जाम में। आपको क्या करना है, एसएससी गोल सिलेक्ट करना है, कस्टम क्लिक करना है, मन सिलेक्ट करना है, हैव अ रेफर कोड लगाना है, ये लाइव अमन, और दूसरा मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लेना, ऊपर लूसेंट दे रखा है ना, तो लूसेंट पे पीडीएफ मिल जाएगी आप, जितनी देर में एसएससी गुरु में पेपर दोगे ना 25 मिनट का, उतनी देर में पीडीएफ इधर आ जाएगी, ठीक है, अशोरिटी इसी। तो रेफर कोड यूज करो, ऊपर क्लास को भी नोटिफाई कर लो, रेगुलर बेसिस पे आओ इस क्लास में, मिलते हैं आप सभी से 8:30 बजे एसएससी गुरु चैनल पे, हर एक बच्चा आओ, ठीक है। ये मेरा शेड्यूल है रेगुलर क्लास का, 10 PM और एसएससी गुरु वाली क्लास होगी अभी, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी का, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं आपसे एसएससी गुरु चैनल पे, ठीक है, रेगुलर क्लास हो रही है, ठीक है, रेगुलर क्लास हो रही है, सेशन को एंड करते हैं, सेशन को लाइक और शेयर कर देना हर एक बच्चा, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी का।